चलो नेक्स्ट में आ जाए, कौन सा बोलो, वोटिंग करो। एक कंटिन्यूटी वाले, देखो होगा तो दोनों ही डिस्कस, ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है तो हाथ उठा कंटिन्यूटी वाले, जीरो वालों हाथ उठा। अरे यार तो चलो भाई तुम एक पकड़ो जीरो, ठीक है, इक्वल है यार दोनों, जीरो। देखो भाई जो मैंने आज तक कभी भी स्पेस और टाइम में कभी भी बोल दिया हो, जो रिकॉर्डेड हो और ऑनलाइन हो, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, नोट कर लेना कौन सा वीडियो देखना है, ठीक है, वो जाके आज देख लेना। तो जीरो से जिसे स्टार्ट करना है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, मेरा स्टडी मटेरियल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, स्टडी का स्पेलिंग बोल दिया, स्टडी मटेरियल वाला वीडियो देख लो, दो तीन बनाया लेकिन एक सबसे स्ट्रांग है, तो जो मैंने हिंदी में बात किया तुम सबको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश वर्जन भी है उसका, लेकिन वो देख लो, उससे तुम्हें क्या पता चलेगा ना कि क्या क्या पढ़ना है, और वो तुम्हारा जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो स्टडी टेबल में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो मान लो सॉम है और थर्मो है और FM है और HT है, तो तुम्हारे पास क्लियरली डिफाइंड, देखो तुम लोग अगर विदाउट कोचिंग पढ़ रहे हो ना, मैक्सिमम लोग यहाँ विदाउट कोचिंग है, कोई भी दिल्ली नहीं जाने वाला, अगर जाओगे तो बात की बात, लेकिन अभी अगर विदाउट कोचिंग पढ़ रहे हो, यही क्वेश्चन था ना, विदाउट कोचिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो है ना, ठीक है। तो देखो सॉम तुम्हें पता रहना चाहिए कि मेरे लेक्चर्स फॉलो करना, ये मैं बायस होकर नहीं बोल रहा, मेरे लेक्चर सच में अच्छे हैं, बहुत लोगों ने फॉलो किए, ठीक है, रिव्यू देख लो, अभी भी 4.9 या 4.8 दिख रहा होगा, तो उसे फॉलो करो, काफ़ी अच्छा है, ठीक। तो ये तुम्हारे वॉल के सामने रहना चाहिए कि आशीष रंजन का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा। उसके बाद एक चीज़ तो सब में कॉमन है, गेट ईएस मतलब मेजर सब्जेक्ट्स में, ठीक है, कम से कम इवन इंडस्ट्रियल ये सब में कॉमन है, प्रोडक्शन डालो। अब देखो ये तुम्हारे पास क्लियर है कि ये मेरा स्टडी मटेरियल, ठीक। दूसरा थर्मो है, तो मान लो मेरा देख लो या फिर लोहित का देख लो, जो भी तुम्हें बेटर लगता है, ज़्यादा समझ में आ रहा हो जो भी, ठीक। FM है तो उसमें भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, या फिर कोई भी और अनअकैडमी में कोई एजुकेटर मिल रहा है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एजुकेटर, कोई भी अनअकैडमी में फ्री में अगर पढ़ा रहा है ना, उसका देखो क्वालिफिकेशन क्या है, उसने एग्ज़ाम निकाला है कि नहीं, ठीक, ये देखो, अगर उसने एग्ज़ाम निकाला है तो फिर देखो कि उसका पढ़ाने का ढंग मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों है तो उसको फॉलो करो, क्योंकि अगर उसने एग्ज़ाम निकाला तो गारंटी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, या फिर उसने सिलेबस अच्छा से कंप्लीट किया है डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक। तो ये हो गया कि मतलब किसी का सोर्स पता चल गया कि मुझे इसे फॉलो करना है। अब जो भी ये है ना, इसे रिलीजियसली तुम्हें फॉलो करना है। अब तुम जब स्टार्ट करो तो किसी का एक क्वेश्चन होगा कि एक सब्जेक्ट को कितना टाइम लगना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 1 मंथ, अगर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है 45 डेज, इतना टाइम लगेगा ना, तो इसमें तुम्हें क्या करना है इस 1 मंथ में। अब जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 2-4 सब्जेक्ट स्टार्ट में 7 मंथ स्टार्ट कर देना, ठीक है, स्टार्ट एक ही करना है अभी, तो तुम्हें बस एक ही स्टार्ट करना है, एक एक करते करते आगे बढ़ना, साइड बाई साइड रिविजन कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करनी, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बात किया, एक वीडियो था साइक्लिक पैरेलल रिविजन करके लिख लो जिसे देखना है। अब देखो इस एक महीना में, मान लो ऑन एन एवरेज एक महीना मुझे लग रहा है, इसमें क्या करना है, तुमने मान लो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर देखना स्टार्ट किया, तो तुमने क्या किया कि फर्स्ट चैप्टर खत्म किया, फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स है, तो उसे ख़त्म करने में मान लो तुम्हें एक दिन लगा, ख़त्म कर लिया, उसके बाद क्या किया, ये सॉल्व किया, ठीक, और उसके बाद कोई भी डाउट हुआ तो ग्रुप पे डिस्कस कर लिया, दोस्तों से डिस्कस कर लिया, डाउट मिनिमम होना चाहिए। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तुम्हें प्रैक्टिस भी नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये सब तुम्हें नहीं पता, तो वो सब मार्क कर लो, और उसे अगर नहीं डिस्कस करने के बाद सॉल्यूशन मिलता है छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला बार हो रहा है ना, अभी तुम्हें तुम बहुत बार आओगे, और बाद में आओगे ना तुम्हें लगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ऐसा बहुत बार होता है, जो कर चुके तैयारी उन्हें पता है कि बाद में आओगे तो तुम्हारा लेवल इंक्रीज कर गया ना, तो वो तुम्हारे से जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था वो भी सॉल्व होने लगा, ठीक। तो अब हम आगे कि ये दोनों सॉल्व कर लिया, और उसके बाद कुछ नहीं, दूसरे चैप्टर में चले जाओ, उसके बाद फिर से ये किया, मेरे लेक्चर देखोगे उसमें एक चैप्टर के एंड में जैसे SLT PMD खत्म हो गया, तो मैं बोल दूंगा कि जाओ भी अगला लेक्चर मत देखना जब तक तुमने पूरा सॉल्व नहीं कर लिया, ये हो गया। अब ये तुमने एक महीना तक किया, तो एक महीना तक तुम्हारा हो गया 12 चैप्टर पूरे खत्म हो गए, तो फिर तुम्हारा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, क्लियर है। अब उसी तरह से एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट में जाना है, अब वो मटेरियल क्या है, वो मैंने उस स्टडी मटेरियल वाले वीडियो में बता दिया था, तो क्लियर है।
तो इस तरह से जो जैसे स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें ये सब करना चाहिए। बस ये समझ लो कि सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करो। जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट अच्छा से बनाओगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो तुम ऐसा मतलब टैनी वैनी, अगर तुम्हारा रूट खराब है ना, तुम कितना भी मेहनत कर लो आगे जाके ना, तुम्हारा लेवल कभी उस लेवल पे नहीं आ पाएगा जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाहिए। तो अभी तुम एकदम छोटा छोटा स्टेप लेके उसे क्रैक कर, मतलब अच्छा से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, चीज़ें समझ में आना चाहिए। अब यहीं पर लोग फंस जाते हैं कि क्या लेवल होना चाहिए, क्या लिमिट क्या है कॉन्सेप्ट समझने का, क्योंकि साइंस या इंजीनियरिंग इसका खुद ही कोई लिमिट नहीं है, एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं है। तो वो बाउंड्री डिफाइन करता है तुम्हारा क्लास नोट्स। अब ये तुम्हारा स्टडी मटेरियल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे सारे सारे क्लास नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। मोहित चौधरी ने अपलोड किया था, उसने शायद हटा दिया, तो मैंने भी अपलोड कर दिया, मैंने देख लो। उससे तुम्हें समझ में आएगा बाउंड्री क्या है। इससे बाहर रिसर्च नहीं करना, इतना पढ़ लो, इतना समझ लो, इतना अच्छा से समझ लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। सारे क्वेश्चन तो भूल जाओ, सारे क्वेश्चन तो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल के अभी बैठे हुए रैंक वन लेके आए उससे भी सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जिससे सारे क्वेश्चन बन गए उसका इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं निकलेगा, ठीक, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये सब है स्टडी मटेरियल के लिए। तुम्हें बाउंड्री डिफाइन करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे तुम्हें समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट किस लेवल तक हम समझे, समझ में आया। तो स्टार्टिंग करने के लिए ऐसे ही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली टेस्ट सीरीज भूल जाओगे। अभी टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ नहीं, ये पहली बार कंप्लीट हुआ ना, दूसरी बार तुम रिवाइज करने आओगे इसे, ठीक है। उस टाइम पे भी टेस्ट सीरीज नहीं, उस टाइम पे बस तुम्हारा जो क्लास नोट, ऑब्वियसली तुम जो क्लास नोट्स जो तुम लेक्चर्स फॉलो करोगे ना, उस टाइम पे तुम अपना खुद का एक क्लास नोट्स बनाओगे। मेरे क्लास नोट या जो मैंने प्रोवाइड कर दिया फ्री का ना, मत सोचना कि उसको प्रिंट आउट करके गेट एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे। तुम जो स्टार्ट करो अपने दिमाग में रखो कि मुझे खुद से अपना नोट्स बनाना है, तुम्हारा राइटिंग तुम्हारा ब्रेन जल्दी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो खुद का क्लास नोट्स बनाओगे, दूसरा पहला रिवीजन में बस वो क्लास नोट्स के अंडरलाइन पार्ट्स। अब अंडरलाइन पार्ट्स के बारे में बताना भूल गया। देखो लेक्चर्स हुए ना, लेक्चर्स तुमने देख लिए, मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हें वो जो चैप्टर जो चल रहा है ना लेक्चर, उसके ड्यूरेशन में ही तुम्हें क्लास नोट्स बनाना है। मतलब देखोगे जो भी इंपॉर्टेंट है लिख लोगे, वही क्लास नोट्स होता है ना जैसे क्लास में लोग पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अब जब लेक्चर खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया ना, तो उसको फिर से गो थ्रू करोगे, देखोगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे अंडरलाइन करोगे। अब जब तुम रिवाइज करने आओगे ना, तो बस वो अंडरलाइन चीज़ देखोगे। कुछ लोग हैं कि रिविजन में ही मैक्सिमम टाइम खत्म कर देते हैं क्लास नोट्स रिवाइज करने में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या पढ़े, वो पूरा पढ़ने लगे, बस अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो। ऑलरेडी जो मेरे लेक्चर्स है उसमें मैंने बस इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताया, तो तुम्हारे क्लास नोट्स भी शॉर्ट बनेंगे। हमें जैसे कृष्णा सर ने पढ़ाया था, उसने तो पूरा ग्रंथ बना दिया था, ठीक है। तो उसे हमें बहुत सैग्रीगेट करना पड़ेगा। तो अंडरलाइन कर लोगे पहला रिवीजन, ये दूसरा रिवीजन में भी यही करोगे, क्योंकि ये जो रिवीजन चल रहा है ना, इसके ड्यूरेशन में कोई और सब्जेक्ट चल रहा है, समझ गए। बस ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे फिर रिवाइज करेंगे अकेले, पहले जो चल रहा है उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, पहला ही तुम्हारा ये रिवीजन चलेगा। इसे बोलते हैं साइक्लिक रिवीजन। और साइक्लिक रिवीजन का भी होता है आगे फेज में, जब तुम तीसरा साइकिल में जाओगे ना, तब तुम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर सकते हो, समझ में आया। तो जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए ये गाइडेंस। अगर तुम्हें कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड, पूछो, कुछ नहीं पूछना, इतना फॉलो बता दो। हाँ, ये लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर्स अभी अवेलेबल है, हमारे टाइम पे नहीं है। वो अभी आके बता देगा स्टडी मटेरियल तुम्हें, ठीक है। इसी यहाँ लिखा हुआ है ना, बस स्टडी मटेरियल में ही पंगा होगा, बाकी सब तो मुझे लगता है तुम भी एग्री करोगे कि ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो आके स्टडी मटेरियल बता देगा। बोलो कोई और यहाँ बोल रहे थे भाई, बोलो कुछ बोल रहे थे। हाँ देखो, ये चीज़ ना वेरिएशन होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तुम्हें 45 डेज लगेंगे, हीट ट्रांसफर में तुम्हें बस 20 डेज लगेंगे, ठीक। तो मैंने ऑन एन एवरेज बताया, लेकिन तुम्हें खुद से देखना होगा कितना टाइम दे पा रहे हो, जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा, लेकिन जल्दी के हिसाब में मतलब क्वालिटी को सैक्रिफाइस मत कर देना कि मतलब गेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, ई एस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, अपना डाउट क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो मत करना। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि 45 डेज से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने खुद ही लेक्चर बनाया तो मुझे पता है कितना टाइम लगेगा। 15-10 मिनट का तो लेक्चर ही है, कितने ही होंगे, 60-70 ऐसे होंगे, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करने का कोई और क्वेश्चन मतलब पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, नहीं वो गलत होगा, वो गलत होगा, क्योंकि तुम जब तक पहुंचोगे प्रेशर वेसल में ना, तुम बेसिक्स भूल जाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो फिर एसएफडी बीएमडी भूल जाओगे,
तुम्हें अप्लाई करना है, जब लोहा गर्म उसी टाइम पे हथौड़ा मारा जाता है ना, तो जिस टाइम पे तुमने सीखा तुरंत अप्लाई करो, ताकि जो तुमने सीखा वो तुमने तुम्हारे दिमाग में अच्छे से चला गया, क्या नहीं सीखा वो उसी टाइम पे पता चलना चाहिए तुम्हें, नहीं तो फिर बहुत प्रेशर आएगा वहाँ पे। ठीक, वो गलत है, वो गलती बहुत लोग करते हैं, तुम लोग मत करते। हाँ बिल्कुल है, तुम कर लो, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की क्लासेस की हैं, ठीक है, तो मैंने सब कुछ कवर किया है, और मुझे पता था कि मेरा टारगेट बस गेट नहीं है, और इसरो का गेट से कोई वास्ता नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, या फिर बार्ट के लिए पढ़ने पड़ते हैं, सब कुछ कवर किया है। मैंने लेक्चर्स में बोला भी है कि मेरे लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए कम से कम जो टेक्निकल पार्ट है, जो सब्जेक्ट्स मैं कवर करता हूँ, सफिशिएंट है। और जो गौरव जोशी के टॉम के नोट्स, टॉम के लेक्चर्स हैं, वो भी मेंस क्वांटम सफिशिएंट है। हाँ भाई, वो तो बिल्कुल है, क्योंकि वो उसका टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज ही था, और टॉम गेट और ईएस के लिए अलग नहीं, ठीक है, टॉम हीट ट्रांसफर स्टेम्पर मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ भी अलग नहीं है, सारे एग्जाम के लिए सेम है, ये मेजर सब्जेक्ट है।